हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक रूम हीटर बनाया हूँ। इस रूम हीटर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ। इस रूम हीटर को आप कितना भी देर चला सकते हैं, इसमें कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा और साथ ही आपका रूम बहुत ही जल्दी गर्म कर देगा। इस रूम हीटर को मैंने मार्केट की अपेक्षा से बहुत ही कम पैसे में बनाया हूँ और आप भी घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं। फ्रेंड, मैं बता दूं कि इस रूम हीटर को बनाने से पहले मैंने एक ऑलरेडी ही रूम हीटर बनाया हूं। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रूम हीटर बनाने के लिए सबसे पहले 5 mm का प्लाईवुड का टुकड़ा लेंगे। इसके बाद रूम हीटर जिस डिजाइन में बनाएंगे पेपर को उसी डिजाइन में काट लेंगे और पेपर को प्लाईवुड के ऊपर रखकर मार्किंग करके प्लाईवुड को उसी डिजाइन में काट लेंगे। इस तरह का टोटल मैंने 4 प्लाईवुड काट लिया हूँ। चारों को सेम डिजाइन में काटे हैं, लेकिन 2 का सिरा 5 mm छोटा काटा हूँ और 3 कुछ इस तरह का प्लाईवुड का टुकड़ा लेना है। अब इस प्लाईवुड को लंबे वाले प्लाईवुड पर रखकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे और सेम उसी साइज के प्लाईवुड को दूसरे सिरे पर भी लगा देंगे। बाकी 2 प्लाईवुड को सेम इसी तरह लगा देंगे। सभी को लगाने के बाद सभी के दोनों साइड को सैंड पेपर की मदद से कुछ इस प्रकार से रगड़ देंगे। अब छोटे छोटे प्लाईवुड का टुकड़ा लेकर तीनों साइड के किनारे किनारे लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ अच्छे से लगा दिया हूँ। अब इसके अंदर 400 वाट वाला हीटिंग रॉड को लगाएंगे, लेकिन हम इस रॉड को लगाएंगे तो हीट के कारण बॉडी पूरा जल जाएगा, तो हीट से बचाने के लिए हम इस प्रकार के एल्युमिनियम शीट का यूज करेंगे। हमें एल्युमिनियम शीट को मोड़कर बॉडी के अंदर सेट करना है ताकि जितने भी हीट हो वो बाहर निकले। इसको मोड़ने के लिए सबसे पहले पेपर को उसी डिजाइन में मोड़ कर काट लेंगे। इसके बाद पेपर को शीट के ऊपर रखकर अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद उसी डिजाइन में काट कर हम जिस डिजाइन में पेपर को मोड़े थे शीट को भी उसी डिजाइन में आराम आराम से मोड़ लेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसे मोड़ लिया हूँ और दोनों साइड होल कर लिया हूँ ताकि बॉडी के अंदर सेट करके स्क्रू से टाइट कर दें। इस प्रकार हम तीनों साइड का सीट तैयार कर लिया हूँ। साथ ही हीटिंग रॉड लगाने के लिए इसके अंदर दोनों साइड होल कर दिया हूँ और हम एक साइड 2 हीटिंग रॉड लगाएंगे, इसलिए मैंने 2-2 होल कर लिया हूँ दोनों साइड। अब सेम उसी जगह हम बॉडी के अंदर प्लाईवुड में होल कर देंगे। इस प्रकार मैंने सभी होल कर लिया हूँ, साथ ही यहाँ फैन लगाने के लिए बड़ा होल भी कर लिया हूँ। अब इस एल्युमिनियम शीट को लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले इसके अंदर हम कुछ वायर को वायरिंग कर लेंगे। सभी वायर में स्लेविंग पाइप लगा देंगे जिससे हीट से वायर खराब नहीं होगा। वायर को इससे भी ज्यादा सेफ्टी के लिए मैंने प्लाईवुड को नाले के आकार में बना लिया हूँ। अब इस प्लाईवुड से वायर को अच्छा से कवर कर देंगे। अब वायर यहाँ पूरी तरह से सेफ है। अब एल्युमिनियम शीट को बॉडी के अंदर आराम आराम से लगाकर दोनों तरफ से स्क्रू से टाइट कर देंगे। फ्रेंड, मैं बता दूं कि इस एल्युमिनियम शीट में छोटा छोटा होल कर लेना है जिससे फैन के द्वारा निकलने वाला हवा इस होल से पास करेगा, जिससे शीट ज़्यादा हीट नहीं होगा और पूरा बॉडी भी ठंडा रहेगा।
इस प्रकार मैंने तीनों तरफ का एल्युमिनियम सीट लगा दिया हूँ। सीट लगाने के बाद ऊपर से सेफ्टी के लिए हमें एल्युमिनियम जाली को लगा देना है। जाली को अच्छे से सेट करने के लिए एल्युमिनियम सीट से इस प्रकार का फ्रेम बना लेना है और इस प्रकार लगा देना है। लेकिन लगाने से पहले इसको अच्छा लगने के लिए मैंने पेंट कर लिया हूँ और साथ ही बाकी दोनों तरफ से लगाने के लिए भी फ्रेम तैयार कर लिया हूँ। अब आराम आराम से फ्रेम को लगा देंगे। और दोनों तरफ का स्क्रू को टाइट करने के लिए हम एक लंबा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और जो हीटिंग रॉड लगाने के लिए होल किए थे उसी होल से स्क्रू ड्राइवर लगाकर स्क्रू को टाइट कर देंगे। बाकी दो साइड का जाली ऐसे ही लगा देंगे। अब देख सकते हैं मैंने तीनों साइड का जाली बहुत ही अच्छे से लगा दिया हूँ। अब हम इसके अंदर हीटिंग रॉड लगाएंगे, लेकिन रॉड लगाने से पहले एल्युमिनियम सीट को 2 से 3 बार फोल्ड करके पतला ब्लेड जैसे बना लेना है और उसके अंदर होल कर देना है। अब हीटिंग रॉड को इसके अंदर लगाकर नट से टाइट कर देंगे। इसके बाद प्लाईवुड का 2 छोटे छोटे टुकड़ा लेंगे और इसके अंदर होल करके बोल्ट लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे और इसको हीटिंग रॉड में जो ब्लेड लगा है उसके दोनों साइड लगाकर नॉट से टाइट कर देंगे। अब हीटिंग रॉड को बॉडी के अंदर आराम आराम से लगा देंगे और सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे। और बाकी हीटिंग रॉड को ऐसे ही लगा देंगे। मैंने सभी हीटिंग रॉड को अच्छा से लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं जिस साइड हम फैन लगाएंगे उस साइड सारे इलेक्ट्रिक रॉड को एक साथ कनेक्शन कर दिया हूँ और जिस साइड स्विच लगाएंगे उस साइड का हीटिंग रॉड को एक दूसरे हीटिंग रॉड से अलग रखना है। फैन लगाएंगे उस साइड का कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए ये मोटर रेड वायर को कुछ इस प्रकार से बनाया हूँ और इसका कनेक्शन किसी भी एक हीटिंग रॉड में कर देंगे। और ये पतले दोनों वायर में फैन का कनेक्शन करेंगे। हीटर में इस प्रकार का 12 वोल्ट डीसी एयर एग्जॉस्ट फैन का यूज करेंगे। कनेक्शन करने से पहले फैन को रूम हीटर का जो ऊपर वाला कवर है उसमें फैन को छोटे नट बोल्ट की मदद से सेट कर देंगे। इसके बाद दोनों वायर को पॉजिटिव के जगह पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर देंगे और नेगेटिव के जगह नेगेटिव पर सोल्डिंग कर देंगे और वायर को सुपर ग्लू लगाकर फैन के साथ फिक्स कर देंगे ताकि वायर इधर उधर न हिले। इसके बाद ऊपर वाला कवर लगाकर स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा साइड का कनेक्शन करेंगे, लेकिन कनेक्शन करने से पहले हम स्विच को इसके अंदर लगा देंगे। इसमें छोटे साइज का 6 एम्पियर 220 वोल्ट का स्विच का यूज करेंगे। इस रूम हीटर में टोटल 4 हीटिंग रॉड है इसलिए स्विच भी 4 यूज करेंगे। एक हीटिंग रॉड का कनेक्शन हम एक ही स्विच से करेंगे। कनेक्शन करने के लिए वायर से कुछ इस तरह का हम बना लिए ताकि कनेक्शन करने में काफी आसान होगा। स्विच में टोटल 2 लेग हैं, तो हीटिंग रॉड का कनेक्शन स्विच के किसी एक लेग में कर देंगे। इस तरह हम बाकी सभी हीटिंग रॉड और स्विच का कनेक्शन कर दिया हूँ। स्विच का दूसरा लेग का कनेक्शन हम इस वायर से करेंगे। इस वायर से जहाँ जहाँ कनेक्शन करेंगे वहाँ वहाँ वायर का कवर काट कर हटा दिए और कवर में स्लेविंग पाइप लगा दिया हूँ ताकि वायर हीट होके खराब न हो और कहीं शॉर्ट सर्किट न हो। अब देख सकते हो वायर को सभी स्विच के एक एक लेग से कनेक्शन कर दिया हूँ। फैन को चलाने के लिए 12 वोल्ट एडाप्टर का यूज करेंगे जो बॉडी के इस भाग पर सुपर ग्लू की मदद से लगा देंगे। ये दोनों वायर 12 वोल्ट डीसी आउटपुट का वायर है जो फैन के दोनों वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। मैंने स्लेविंग पाइप लगाकर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया हूँ और ये दोनों वायर एडाप्टर के लिए एसी 220 वोल्ट इनपुट वायर है। एक वायर का कनेक्शन स्विच के एक लेग से कर देंगे जिसमें ये ब्लैक वायर का कनेक्शन किया हूँ और दूसरे वायर का कनेक्शन इस मोटे रेड वायर से कर देंगे और ये वायर वही वायर है जो दूसरे साइड का हीटिंग रॉड का कनेक्शन किया हूँ। आप देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन अच्छा से कर दिया हूँ।
अब इस दोनों वायर को इसके होल से बाहर निकाल के कवर कर देंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। इस प्रकार 90% रूम हीटर बनकर तैयार हो गया। अब इसका सिर्फ निचला वाला हिस्सा बनाना है। इसके लिए सेम पहले ही जैसा प्लाईवुड को मैंने काट लिया हूँ और इसका साइज पहले से बड़ा लिया हूँ और साथ ही साइड में लगाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ा भी लिया हूँ। मैंने सभी को अच्छे से लगा दिया हूँ और ऊपर से कवर को लगाने के लिए इसमें ये तीन छोटे छोटे टुकड़ा लगा लिया हूँ जिस पर स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे और इसमें एक बड़ा स्विच भी लगाया हूँ। अब हीटिंग वाले बॉडी को इसके ऊपर रखकर छोटे नट बोल्ट की मदद से सेट कर देंगे। इसके लिए दोबारा से निचले वाले कवर को खोल देंगे। फ्रेंड, इस प्रकार के दो गोले शेप में प्लाईवुड को काटकर आपस में चिपका लेंगे और इस दोनों प्लाईवुड के बीच में लगा देंगे जिससे रूम हीटर देखने में और ही अच्छा लगेगा। अब तीनों होल में छोटा छोटा बोल्ट लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देंगे। मैंने तीनों नट को अच्छा से लगा दिया हूँ। अब इसको कवर करेंगे, लेकिन कवर करने से पहले इन दोनों वायर को इस होल से बाहर निकाल लेना है और स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देना है। रूम हीटर का जो निचला वाला भाग बनाए थे अब इसको ऊपर रखकर सेट कर लेंगे, लेकिन सेट करने से पहले इन दोनों वायर को बड़े होल से बाहर निकाल लेंगे। इसको ऊपर रखने के बाद छोटे छोटे नट से अच्छे से टाइट कर देंगे। इस पूरे रूम हीटर में बाहर से एसी 220 वोल्ट देने के लिए हम अच्छा क्वालिटी का 1 से 1.5 mm का डबल कवर वायर का यूज करेंगे। अगर आपके पास डबल कवर वायर नहीं होगा तो इस तरह का पाइप में दो सिंगल सिंगल वायर को डालकर आप डबल कवर वायर बना सकते हैं। अब दोनों वायर को इस होल से अंदर कर लेना है। इस दोनों वायर को अब स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे, लेकिन इस स्विच में टोटल 4 लेग हैं, जिसे स्विच के नीचे वाले लेग के एक लेफ्ट वाले में कर देंगे और एक राइट वाले में कर देंगे। अब इस दोनों वायर का कनेक्शन करेंगे, लेकिन रेड वायर छोटा है, इसमें एक छोटा सा वायर जोड़ लेंगे। इसके बाद सेलेविंग पाइप लगा देंगे ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इस दोनों वायर का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले लेग के एक लेफ्ट वाले में कर देंगे और दूसरे को राइट वाले में कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद ऊपर वाले कवर लगाकर स्क्रू से टाइट कर देंगे। हम रूम हीटर के नीचे इस तरह का लेग लगाएंगे। मैंने ये लेग दो प्लाईवुड के टुकड़े को आपस में चिपका कर कुछ इस डिजाइन में काट लिया हूँ। आप देख सकते हो मैंने तीनों लेग को अच्छे से इसके नीचे वाले भाग पर लगा दिया हूँ। हम इस तरह का एक अच्छा क्वालिटी का 3-pin प्लग लेंगे और इस प्लग को जो बाहर से एसी 220 वोल्ट सप्लाई लेने के लिए वायर यूज किए हैं उसके एक एंडिंग पॉइंट पर इस प्लग को लगा देंगे। फ्रेंड, इस प्रकार से ये रूम हीटर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसको अच्छा से फिनिशिंग करने के लिए पतला वाला सैंड पेपर से इसको रगड़ कर अच्छा से फिनिशिंग कर देंगे। मैंने इसे अच्छा से फिनिशिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हो ये रूम हीटर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बिना पेंट किए ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे पेंट नहीं किया हूँ। ये हीटर का ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला। मैंने सभी जगह अच्छा से फिनिशिंग किया हूँ ताकि देखने में रूम हीटर बहुत ही अच्छा लगे। अब इस रूम हीटर को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इस एक्सटेंशन बोर्ड से एसी 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। यह एक होममेड एक्सटेंशन बोर्ड है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। एसी 220 वोल्ट सप्लाई करने के बाद अब रूम हीटर का ग्रीन वाले स्विच को ऑन करेंगे। मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया फैन स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी हीटिंग वाला रॉड का स्विच ऑन नहीं किया हूं, इसलिए अभी हीटिंग रॉड नहीं जल रहा है। मैंने लेफ्ट वाला रड का स्विच ऑन कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये रड धीरे धीरे जलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हीटिंग रड को ऑन करके यूज कर सकते हैं।
फ्रेंड ये रूम हीटर काफी तेज हीट के साथ और काफी तेज रोशनी के साथ जल रहा है, लेकिन बाहरी लाइट के कारण आपको वीडियो में बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट ग्रीन वाले स्विच को ऑफ करके रूम हीटर को बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाहरी लाइट को थोड़ा कम कर दिया हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये रूम हीटर काफी ज्यादा हीट के साथ जल रहा है, जिससे काफी ज्यादा हीट बाहर निकल रहा है। फ्रेंड ये रूम हीटर एक ब्लोअर के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हवा का कुछ भाग एल्युमिनियम शीट के होल से बाहर निकल रहा है और ये हवा एक रूम को गर्म करने के लिए काफी है। तो इस प्रकार से रूम हीटर को अपने रूम में ऑन करके पूरे रूम को गर्म कर सकते हैं। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।